ओके, नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर टू। ये क्वेश्चन काफी सारे बच्चों ने एज अ डाउट पूछा था, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में इसके काफी सॉल्यूशंस हैं और काफी लेंदी सॉल्यूशन है, ठीक है। तो हम वो मेथड यूज करेंगे जिससे हमारा समय सबसे कम लगेगा, एंड दैट इज द शॉर्टेस्ट मेथड टू डू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो चलिए सवाल करते हैं। तो सवाल क्या है? द टाइम टी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस एक्स इज गिवन एज टी इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट, व्हाट इज द एक्सेलरेशन, ठीक है। तो चलिए, हमारा जो इक्वेशन दिया हुआ है, टी इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ठीक है। हमें एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन निकालने से पहले हमें वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, वेलोसिटी के लिए क्या करते हैं कि इस वाले इक्वेशन को हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं दोनों तरफ। तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ टी, और इधर डी बाई डी टी ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ठीक है। डी बाई डी टी ऑफ टी क्या होगा, ये तो वन हो जाएगा, और इधर और डी बाई डी टी ऑफ ए एक्स स्क्वायर, ए तो कॉन्स्टेंट है, और टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये तो टू एक्स हो जाएगा, इंटू डी एक्स बाई डी टी इंटू डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। प्लस अब डी बाई डी टी से बी एक्स को डिफरेंशिएट करते, बी कॉन्स्टेंट है तो बी बाहर आ जाएगा, इंटू डी एक्स बाई डी टी इंटू डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। डीएक्स बाई डी टी क्या होता है, डीएक्स बाई डी डी टी तो वेलोसिटी होता है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा वन इक्वल टू टू ए एक्स, डीएक्स बाई डी टी क्या हो गया, तो वेलोसिटी हो गया, प्लस बी इंटू वी, वी इंटू वी। अब हम क्या करेंगे, यहां से वी को कॉमन ले लेंगे, यहां से क्या करेंगे, वी को हम ले लेंगे कॉमन। अगर वी को कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारा वन इक्वल टू वी, वी को कॉमन ले रहे हैं, हमारा इक्वेशन क्या आया था, टू ए एक्स प्लस बी आ जाएगा, टू ए एक्स प्लस बी, टू ए एक्स प्लस बी, ठीक है। अब यहां से वी क्या आ जाएगा हमारा, यहां से वी आ जाएगा वन डिवाइडेड बाई टू ए एक्स प्लस बी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टू ए एक्स प्लस बी टू द पावर माइनस वन। तो ये हमारा आ गया है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। सवाल में हमसे एक्सेलरेशन पूछ रहा है, हम जानते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है, माय डियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी इंटू डीवी बाई डी एक्स, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन हमारा आया है इसको हम एज अ फंक्शन ऑफ एक्स के टर्म में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। चलो करते हैं, वी डी बाई डी एक्स ऑफ वी, और वी क्या है, टू ए एक्स प्लस बी टू दी पावर माइनस वन, इसको डिफ्रेंशिएट करो, ये क्या आ जाएगा, वी ये पावर आगे आ जाएगा माइनस वन इंटू टू ए एक्स प्लस बी, माइनस वन माइनस वन, यह माइनस टू हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई एक्स का कोफिशियंट, एक्स का कोफिशियंट क्या है, टू ए, तो इसको टू ए से मल्टीप्लाई भी कर दो आप, टू ए से मल्टीप्लाई हो गया। अब ये हमारा क्या निकल कर आया है, चलो इसको मैं लिख लेता हूं, इसको मैं साइड में लिख लेता हूं। हमारा एक्सेलरेशन क्या निकल कर आया, हमारा एक्सेलरेशन निकल कर आया है ए इक्वल टू माइनस टू ए वी माइनस टू ए वी डिवाइडेड बाय टू ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, टू ए एक्स प्लस बी का, टू ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हमारा एक्सेलरेशन निकल कर आया है। इसे हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। चलिए देखो, यहां पर हमारा वेलोसिटी क्या निकल कर आया था, हमारा वेलोसिटी निकल कर आया था वन बाई टू ए एक्स प्लस बी, ठीक है। अगर इसको आप स्क्वायर करो तो ये क्या हो जाएगा, वन बाई टू ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि जो हमारा नीचे वाला टर्म है, नीचे वाला, ये क्या आ गया है, ये आ गया हमारा माइनस टू ए वी, और ये क्या है, ये तो वी स्क्वायर है, इंटू वी स्क्वायर, ये क्या निकल कर आ गया, माइनस टू ए वी क्यूब।
ठीक है, जहां v क्या है, व्हाट इज v हेयर, वेयर v इक्वल टू 1/2 ax + b। ठीक है, सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू।